अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही पहचाना। आज की रेसिपी हमारी चिकन की रेसिपी है और हमारी चिकन की इस लाजवाब रेसिपी का नाम है निज़ामी चिकन कोरमा। ये कोरमा हमने बहुत अलग तरीके से बनाया है और निज़ामी चिकन कोरमा दूसरे कोरमा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मज़ा में बहुत लाजवाब होता है। आप इस कोरमा को पराठे पूरी किसी के साथ खा सकते हैं और देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है और मज़ा में तो ये लाजवाब। तो आप इसे पुलाव पूरी पराठे नान किसी के साथ भी ले सकते हैं। मज़ा में इंतहाई लाजवाब ये कोरमा बहुत उम्दा तैयार होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने 2 किलो चिकन। चिकन को अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया है, पानी अच्छी तरह से निकाल लिया छान के। अब डालेंगे कुछ मसाले और मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1/2 कप है धनिया पाउडर, 3 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 कप है अदरक लहसुन पेस्ट, 3-4 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, 1 कप है चॉप किया हुआ हरा धनिया। डालेंगे 200 ग्राम दही, ये थिक कर्ड है, 2 टेबल स्पून नमक, नमक जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप है घी। अब हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस और धनिया की पत्ती, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे चिकन निज़ामी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे ढक करके। ये लिया है हमने तकरीबन 900 ग्राम प्याज, यानी 1 किलो से थोड़ा कम लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा जितना चिकन है उसके हाफ से थोड़ा सा कम प्याज लेंगे हम। और अब हम इसे पतले स्लाइसेस में काट लेते हैं। एक बड़े पतीला में हमने 400 ml तेल लिया है, इसे अच्छी तरह गर्म करते हैं। ये है कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और जावित्री, इसे ऑयल में डाल देते हैं। प्याज भी हमने स्लाइस कर लिए हैं, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, अभी गुलाबी गुलाबी सा है। तो अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि 1/3 प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। ये 200 ग्राम के करीब प्याज हमने बाहर निकाल लिया है और प्याज का कलर आप देख रहे हैं थोड़ा गुलाबी गुलाबी सा है, हल्का ब्राउन है। और बाकी के प्याज को थोड़ा सा हम और फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। चिकन निज़ामी कोरमा बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स, आप इसे बना के देखेंगे और ट्राई करेंगे तो इसका मज़ा आपको बहुत पसंद आएगा। प्याज सुनहरा हो चुका है, हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो अब इस स्टेज पे हम चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह चलाते हैं और फ्लेम को भी हाई रखना है हमें। और चिकन को हाई फ्लेम पर हम अभी 2-3 मिनट भूनेंगे कि इसका अपना पानी और दही वगैरह का पानी जो हमने डाला था वो सूख जाए। चिकन अच्छी तरह भून चुका है, हमने 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पे भुना। देखिए ऑयल भी निकल के आ गया है और चिकन की रंगत बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। तो फ्रेंड्स ये निज़ामी चिकन कोरमा बहुत ज़्यादा
टेस्ट में अच्छा होता है और लोगों को पसंद आता है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। अब हम डाल देंगे पानी। हमने तकरीबन इसमें 1 लीटर पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, गोश्त की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने 1 लीटर पानी डाला है, अब इसे गलने देंगे और फ्लेम हमारा अभी हाई रखना है। ढक देते हैं और इसे कुक करते हैं। प्याज ठंडा हो चुका है जो हमने निकाला था, तो अब डाल देते हैं इसे ग्राइंडिंग जार में। ये 1/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा कम नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट है। आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। हाफ कप हमने काजू लिया है, अब इसे हमें स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। इसे एक साइड रखते हैं, बीच बीच में हमें खोल के चलाते भी रहना है। अभी इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं, तो अभी हमें इसे ढक करके और कुक करेंगे। तो चिकन हमारा हाफ डन हो चुका है यानी कि आधा गल चुका है। तो अब हम इसमें मिला देंगे मसाले, ये प्याज और नारियल काजू का पेस्ट है, क्योंकि नारियल और काजू के पेस्ट का कच्चापन को निकलना चाहिए। तो अब हम इसे मिला के थोड़ी देर और कुक करेंगे। अब हम फ्लेम को हाई से थोड़ा सा लो कर देंगे यानी कि मीडियम कर देंगे, और बीच बीच में हमें देखते रहना है कि मसाले नीचे बैठे नहीं और जलने ना पाए, तो बीच बीच में हमें हल्का सा चलाते भी रहना है। ग्रेवी थिक हो चुकी है, अब हम चेक करेंगे गोश्त गला है कि नहीं। चिकन गल चुका है, अब हम नमक चेक कर लेंगे। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1 टीस्पून और ऐड कर देती हूँ। अब ढक करके और आंच धीमी करके 2 मिनट इसे छोड़ेंगे हम। हमारा निज़ामी चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। देखिए ऑयल भी निकल के बड़ा अच्छे से निकल के आया है और बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुआ है। अब हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर। ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना ऐड करें, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर सर्व करेंगे। तो तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही लाजवाब निज़ामी चिकन। फ्रेंड्स आप इसे पराठों के साथ ले सकते हैं, पूरी के साथ ले सकते हैं, नान के साथ ले सकते हैं, चावल के साथ ले सकते हैं, पुलाव के साथ ले सकते हैं। और हमारे इस निज़ामी चिकन कोरमा का टेस्ट बहुत अलग हटके है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नया लेके, कुछ मज़ेदार लेके। अल्लाह हाफिज़।